दोस्तों, आप जिस ग्रह पर रहते हैं क्या उसके बारे में आपको सब कुछ पता है? सोचने वाली बात है कि जहां इंसान सौर मंडल में चक्कर लगाकर आ जाता है तो उसको अपनी पृथ्वी के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा, है ना? मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं हमें उसके बारे में ही बहुत कुछ नहीं पता। आज इस वीडियो में हम दावा देते हैं कि जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी के बारे में, उनमें से कई बातें या तो आपको पता ही नहीं होंगी या फिर गलत पता होंगी, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। पृथ्वी के बढ़ते दिन। सबसे पहला तथ्य है, आपको हम बता दें कि पृथ्वी पर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21.9 घंटे हुआ करते थे, तो धीरे धीरे दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यह सिर्फ हवाओं में नहीं होता, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। आपको बता दें, चांद और सूरज की ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशन टाइड की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 मिली सेकेंड और जुड़ जाते हैं। और ऐसे कर करके आज कई सालों बाद पृथ्वी पर 24 घंटों का दिन होता है। और ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर सिर्फ दिन बढ़ रहे हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी भी हैं जिनकी वजह से एक दिन के समय में भी कमी आई है। जैसे कि जापान में 2011 में आए भूकंप से पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गए थे। तो जो आप सोचते हैं कि वक्त सिर्फ आगे चलता है, वैसा जरूरी नहीं है। वक्त को हमने पीछे भी धकेला है। मगर जरा सोचिए, एक दिन 21 घंटे का होता तो उस समय वर्किंग आवर्स कितने कम होते होंगे, और अगर हर साल दिन बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में वर्किंग आवर्स कितने ज्यादा होंगे, हमें तो सोचकर ही चक्कर आ रहा है। क्या आपको पता है लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी में कोई भी देश नहीं हुआ करता था, और एक संपूर्ण सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया था। मतलब आज से 30 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया सिर्फ एक दुनिया थी और कई देशों के नाम पर नहीं बटी हुई थी, जिसमें हर कोई एक जॉइंट फैमिली की तरह मिलजुल कर रहा करता था। और फिर धीरे धीरे घर का बंटवारा होता गया और पृथ्वी छोटे छोटे देशों में बट गई। और जैसा कि आप जानते हैं, बंटवारे के बाद लड़ाइयां होना तो लाजमी है, इसलिए हर जगह युद्ध भी देखने को मिले। जरा सोचिए, अगर दुनिया में अब भी कोई देश न होता तो अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन की जगह सिर्फ इंसान होता तो कितनी अलग होती ना वो दुनिया। पृथ्वी गोल नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हमारे यहाँ दो तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं पृथ्वी फ्लैट है, और दूसरे वो जो सोचते हैं पृथ्वी गोल है। मगर एक तीसरी तरह के लोग भी होते हैं जो एकदम सही सोचते हैं और सही जानते हैं कि पृथ्वी गोल भी नहीं है। जी हाँ, स्कूल में हमने पढ़ा था पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उबड़ खाबड़ स्फीयर के आकार की है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी इक्वेटर के आसपास बहुत उबड़ खाबड़ है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चपटी है। तो ना ये फ्लैट है ना गोल है, असलियत में ये उबड़ खाबड़ स्फीयर है। बढ़ता सूरज। आपने बढ़ते दिनों के बारे में तो सुन लिया, मगर क्या आप जानते हैं हमारा सूरज भी लगातार बढ़ रहा है? वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सूरज लगातार ज्यादा गर्म और ब्राइट हो रहा है, और ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि अगले 100 करोड़ सालों में ये इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि उसकी वजह से पृथ्वी के सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ आपको बता दे, जो आपको 40 डिग्री सेल्सियस में ही गर्मी लगने लगती है, वही आज से कई साल बाद बढ़ते सूरज की वजह से पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। और ऐसा होते ही हमारे इस प्लेनेट पर जीवन नष्ट हो जाएगा और हमारी पृथ्वी गर्म गोले में तब्दील हो जाएगी। जीवन जीने के लिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मगर आपको ये बात एलन मस्क को बतानी चाहिए, जिन्हें मार्स पर जीवन दिखता है। भले ही हमने मंगल पर पानी और कार्बनिक अणुओं के कुछ सबूत और शनि के चंद्रमा टाइटन पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज की है, और वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा टाइटन के बर्फीले क्रस्ट के नीचे जीवन के संभावित अस्तित्व के बारे में अनुमान भी लगाया है, लेकिन इन सब के बावजूद पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन वास्तव में खोजा गया। तो हमें इस ग्रह की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े सौर मंडल में आज तक असली जीवन के पुख्ता सबूत मिले ही नहीं है।
असामान्य गुरुत्वाकर्षण। अभी तक हम सबका मानना था कि गुरुत्वाकर्षण हर जगह एक समान होता है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा में स्थित हडसन बे ऐसी जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की बाकी जगहों से अलग है। यहां की ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की बाकी जगहों की तुलना में 0.05% कम है। मतलब पृथ्वी पर खुद भी ऐसी जगह है जहां पर आपको चांद पर चढ़ने की अनुभूति हो सकती है। पृथ्वी के अंदर है छठा समंदर। आपने आज तक समंदर दुनिया में 5 ही सुने होंगे, जिसमें पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन शामिल है। मगर इनके अलावा एक और ओशियन है जो इतना बड़ा है कि अगर इन पांचों समंदर को मिला दिया जाए तो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। मगर इस समंदर का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक धरती की सतह के नीचे ही दबा हुआ है और इसका ठिकाना ठीक वहां है जहां आप अभी खड़े हुए हो। उसके ठीक 300 मील नीचे जाकर ये समंदर मिलेगा। इस विशालकाय समंदर की खोज तब हुई जब ब्राजील की एक चट्टान से लावा और पानी निकलने लगा और उसके साथ साथ कुछ हीरे यानी डायमंड्स भी बाहर आ गए, जिन्हें देखकर पता चला कि ऐसे डायमंड्स हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन से बने हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ समंदर के अंदर ही पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये समंदर आज से लगभग 3 बिलियन साल पुराना है और आज ही इसके अंदर सामान्य जीव जंतु नहीं बल्कि अलग अलग तरह के ही प्राणी ही निवास करते होंगे। पानी। दोस्तों, जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में गए तो उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से पृथ्वी को देखा और हमारे घर को ब्लू प्लैनेट कहा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे ग्रह का 70% हिस्सा महासागरों से ढका है, शेष 30% ठोस जमीन है जो समंदर के स्तर से ऊपर है। मगर क्या आपको ये पता है कि पृथ्वी का सिर्फ 3% पानी ही ताजा है, बाकी 97% नमकीन पानी यानी समुद्री है। उस 3% में से 2% से अधिक बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों से जमे हुए है, 1% से कम मीठा पानी झीलों नदियों में पाया जाता है। मतलब पूरी पृथ्वी के पानी में से सिर्फ 1% पानी ही हमारे पास पीने के लिए उपलब्ध है, जो कि 700 बिलियन से ज्यादा लोगों की प्यास बुझाता है। और ये तो सिर्फ इंसान है, इसके अलावा कई जानवरों को भी यही 1% पानी ही पालता है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पृथ्वी के रोमांचक तथ्य जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता था, और अगर गलती से पता था तो वो भी गलत ही ज्ञान था। इन सारे फैक्ट्स में आपको कौन सा फैक्ट पहले से